दोस्तों, क्या चांद पर होगा भारत का कब्जा? क्या भारत संपूर्ण चांद पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर रशिया जो है वो अपना लूना 25 इंडिया के चंद्रयान 3 से पहले उतार के अपना वर्चस्व बढ़ा लेगी, अपना नाम कर ली, क्योंकि रशिया के पास ऑलरेडी बहुत सारी किताब है। जैसे फर्स्ट मैन जो स्पेस में भेजा था वो रशिया ने भेजा था, पहली सैटेलाइट स्पुटनिक वो रशिया ने भेजी थी, पहला एनिमल जो कि लाइका नाम की एक फीमेल डॉग थी रशिया ने भेजी थी, पहले स्पेस क्राफ्ट, पहले सैटेलाइट, बहुत सारे खिताब जो है रशिया के नाम पे हैं। उस समय पर रशिया नहीं हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, और उसी को देखा देख उसी के कॉम्पिटिशन में आके अपोलो मिशन जो कि नासा के अमेरिका ने भेजे थे, और कई बार इनकी स्पेस रेस चलती रही और एक टाइम पे आके वो रुक गई। लेकिन अब जब चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है इसरो के द्वारा, तो क्यों अचानक से लूना 25 बीच रेस में आ गया? हम तो किसी रेस में है भी नहीं भैया, हम तो नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मून के ऊपर जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, और इंडिया कभी भी इस हिसाब से सोचता नहीं है। इंडिया के साइंटिस्ट कभी भी इस हिसाब से नहीं सोचते, वो बस ह्यूमैनिटी के लिए, साइंस के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोग रेस के अकॉर्डिंग कर रहे होते तो हमने भी लाखों अरबों करोड़ों रुपए फूंक दिए होते, जो कि हमने नहीं किया। हम तो बहुत ही इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली टाइप्स में हम रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर भारत का कब्जा हो गया नहीं, ये सारी जानकारी आपको देंगे, और साथ में भारत चांद पे कैसे कब्जा कर लेगा, क्यों कह रहे हैं हम इस बात को, और दूसरा कि चंद्रयान 3 के साथ क्या क्या इक्विपमेंट जाने वाले, क्या क्या जानकारी हासिल करेगा चंद्रयान, कितने इक्विपमेंट लगे, किस किस एक्टिविटी को, सॉइल को, वहां के एनवायरमेंट को, वहां की हवा को, पानी को, हर चीज को कैसे मॉनिटर करेगा, कैसे एनालिसिस करेगा, उसकी रिसर्च करिए, सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखना ताकि कुछ भी चीज आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, रोसकॉसमोस का एक बड़ा ऐलान, 18 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचने वाला है रोसकॉसमोस का लूना 25। 21 की सुबह, 21 अगस्त की सुबह सुबह लैंड हो जाएगा साउथ पोल पे इनका लूना 25। जी हाँ दोस्तों, रोसकॉसमोस 21 अगस्त को, आज दोस्तों 19 अगस्त है, 20 अगस्त, 21 अगस्त, यानी मोटा मोटा एक फुल डे और एक हाफ डे, यानी कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में कह लीजिए, कुछ घंटों में लैंड हो जाएगा लूना 25 चंद्रमा की सतह पे। दोस्तों, ये तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, वो पहले पहुंचेगा, जाने दीजिए, पहले पहुंचे कर क्या लेगा, लेकिन आपको ऐसी बातें बताएंगे ना कि आप दंग रह जाएंगे और गर्व करेंगे भारतीय होने के लिए। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया जो है पहले पहुंच जाएगा, लेकिन चंद्रयान 3 से आगे है लूना 25, ये भी हमें मालूम है। हाँ जी, आगे है, ठीक है भैया, चले जाओ, पहले पहुंच जाओ भाई, हम तो बोलेंगे आप चले जाओ भाई, हम तो हमेशा सबकी इज्जत करते हैं, हर एक को बराबर रिस्पेक्ट दे, आप चले जाओ। लेकिन जो अभी चंद्रयान 3 की पेरिलियन है वो जो है 113 किलोमीटर की है, लेकिन लूना की पेरिलियन जो है वो 100 किलोमीटर की है, यानी कह सकते हैं कि लूना 25 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है चंद्रमा की सतह से, नहीं बहुत नजदीक पहुंच गया, और वो उतरने ही वाला है। कौन उतरेगा पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लूना 25 उतर भी जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है दोस्त, लेकिन कब्जा किसका हो, कब्जा क्यों कह रहे हैं हम बार बार, आप सोच रहे होंगे कब्जा कब्जा कह रहे हैं, ये कोई प्रॉपर्टी या कोई बहुत थोड़ी है विवाद, ऐसा नहीं है दोस्त। अब समझिए बात, चांद पे भारत का कब्जा क्यों होगा, लॉन्च, इंजेक्शन, डी बूस्टिंग, डी ऑर्बिटिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, सब कुछ जो है अभी बोले दीजिए, सब दोनों में सेम होगा, चंद्रयान 3 का भी, लूना 25 का सेम होगा। लेकिन दोस्तों, इंडिया जो है वो बेहतर क्यों है, यानी कि इसरो का चंद्रयान 3 बेहतर क्यों है लूना 25 से? दोस्तों, जो लूना 25 जो है उसका लैंडर में पावर बहुत कम है, पेलोड नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी, यानी कि वो स्टडी ही नहीं कर पाएगा कि चंद्रमा की सतह है कैसी है, सॉइल कैसी है, एनवायरनमेंट कैसी है, वहाँ अर्थ को कैसे आते हैं, वहाँ मोशन कैसे काम करते हैं, ग्रेविटी कैसे काम करती है, हर चीज जो है वहाँ की मॉनिटर एनालिसिस और रिसर्च जो है वो कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएगा दोस्तों, क्योंकि हम भले ही लेट पहुंच रहे हैं, हम भले ही देखिए, पहली बात तो अब हैट्स ऑफ है हमारे इसरो के साइंटिस्ट के लिए कि पहले तो हम इको फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली हमने रॉकेट भेजा, कम से कम बजट पर भेजा, कम से कम रिसोर्स पर भेजा, अपने दिमाग के बलबूते, ऊपर से हम लोगों ने इतने सारे पेलोड लगा के भेजे, पेलोड यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो कि वहाँ जांच पड़ताल करेंगे वो लगा के भेजे, ताकि वहाँ मॉनिटर, ये नहीं कि बस पहुँच जाए, यार पहुँच जाओगे तो आप कहीं भी पहुँच जाइए, लेकिन वहाँ पहुँच के आप कितने प्रोडक्टिव हैं, कितना योगदान दे सकते हैं दुनिया को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रशिया जो है बस खिताब हासिल करने के लिए कि मैं पहले पहुँच जाऊँ इसमें लगा हुआ है, लेकिन लूना 25 में बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करने की क्षमता है, लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की और एनालिसिस करने की क्षमता है।
चाइना ने कोशिश की मगर साउथ पोल के वो लैंड नहीं कर पाया। और हमने बताया था लास्ट वीडियो में कई और देशों ने भी कोशिश की, जापान ने भी की थी, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। दोस्तों रशिया और इंडिया साथ में ही पहुंचने वाले ऑलमोस्ट आगे पीछे, लेकिन दोस्तों साउथ पोल की जानकारी जो है ना वो भारत ही दुनिया को देगा। ये जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तक गिनती आई। लूना 25 में वन आर्म लगा है, यानी LRM, इसको लूनर रोबोटिक आर्म भी कहते हैं। ये चम्मच जैसा स्कूप लगा होता है इसके अंदर, जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर की स्कूप निकालेगा उसकी सतह के अंदर से और उसको स्टडी करेगा। दोस्तों रिसर्च एनालिसिस की एबिलिटी नहीं है उसके अंदर, वो निकालेगा थोड़ी बहुत ही जांच पड़ताल कर सकता है। लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर 4 से 5 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिनमें से एक है एपेक्स है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। रशिया ने भी भेजा, बट इसरो का जो है स्पेक्ट्रोमीटर वो बहुत ज्यादा एडवांस है। अब इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या भेजा है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी भेजा है, यानी कि लिब्स, जो कि केमिकल और मिनरल्स की स्टडी करेगा, वहाँ कितने एलिमेंट्स ज्यादा है कि अंदर जमीन के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है उसको भी स्टडी करेगा। उसके बाद दोस्तों अब इसने पता कर लिया कि अंदर क्या है। अब ध्यान से समझिए भारत को, सुनिए इस बात को कि वहाँ बेस भी बनाया जाएगा, वहाँ की सीज़मिक एक्टिविटीज की जांच पड़ताल होगी, वहाँ की सतह की जांच पड़ताल होगी, और पता लगाना पड़ेगा कि थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है चंद्रमा की। इसके लिए रंभा को भेजा गया, जो वहाँ के सोलर विंड्स को, जो कि सीधा चार्ज के ऊपर पड़ती है और वहाँ के पार्टिकल्स को, वहाँ की सतह को चार्ज कर देती है, उनके बारे में जांच पड़ताल करेगा, उसे रंभा कहते हैं। दोस्तों ये मैग्नेटिज्म डेवलप कर देता है, क्योंकि जब सोलर विंड पड़ती है वहाँ पे सतह के ऊपर, तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पार्टिकल से ना चार्ज आ जाता है। ये देखने को पता लगा था जब अपोलो मिशन में जब एस्ट्रोनॉट गए थे, तो उनकी सूट पे से, उनकी मशीन से चिपक गए थे वहाँ के जो पार्टिकल्स थे, तब मालूम पड़ा भैया यहाँ तो दिक्कत है थोड़ी, यहाँ चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वो कैसे सोलर विंड सीज। अब लूनर फेज में एक्टिविटी को भी मॉनिटर करेगा, कितने अर्थक्वेक हैं, कितना भूकंप आता है, उसकी ज़मीन में कितनी उड़दंग मचता है, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पानी कितना है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनको मॉनिटर करना, इकट्ठा करना, एनालिसिस करना, वो जानकारी भारत को देना, और फिर भारत का नाम रोशन हो जाएगा वहाँ पे, एक तरीके से भारत का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि सारे देश जो भी वहाँ जाएंगे भारत के बाद, रशिया के बाद, तो वो भारत से ही हेल्प मांगेंगे कि भैया हमें बता दीजिए यार, थोड़ी गाइडेंस कर दो, थोड़ा ये बता दो, तो भारत का बहुत बड़ा बोलबाला हो जाएगा। दोस्तों अगर आप रहे कुछ भी इस वीडियो से सीखा और आपको इंटरेस्टिंग लगी और एंड तक बन रहे हैं आप, तो धन्यवाद दिल से। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अपने दोस्तों घर वालों को भेजिए दोस्तों, ताकि उनको भी जानकारी मन पड़े, भारत भारतीय होने के लिए उनको गर्व होना चाहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।